सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 के बारे में। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 4 मोस्ट प्रोबेबली या तो लेट 2023 या अर्ली 2024 में रिलीज हो सकता है, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ मेजर प्लॉट लीक्स अभी इंटरनेट पे सामने आए हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट लीक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं और स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो स्पाइडरमैन 4 का मेन प्लॉट इन्वॉल्व करेगा डेयर डेविल और किंग पिंग को। स्पाइडरमैन 4 के अंदर हम देखेंगे कि किंग पिंग बेसिकली न्यूयॉर्क का मेयर बन गया होगा और वो विजिलेंटिस को इलीगल डिक्लेयर कर देगा, इसलिए डेयर डेविल और स्पाइडरमैन टीम अप करेंगे टू डिफीट किंग पिंग। स्पाइडरमैन 4 का मेन प्लॉट यही होगा। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें हैरी ऑस्बॉर्न करेक्टर देखने को मिलेगा, और ग्रीन गॉब्लिन का इंट्रोडक्शन भी स्पाइडरमैन 4 के अंदर किसी न किसी तरीके से हो सकता है। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें पता चला था कि ऑस्बॉर्न फैमिली एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। न्यूयॉर्क के अंदर पर ऐसा हो सकता है कि ऑस्बॉर्न फैमिली एमसीयू के अंदर किसी दूसरे शहर में रहती हो, और हैरी ऑस्बॉर्न फाइनली पीटर पार्कर से स्पाइडरमैन 4 के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 के अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि माइल्स मोरेल्स का स्पाइडरमैन हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल सकता है, जिसके बाद माइल्स के ऊपर सोनी एक सेपरेट मूवी बना सकती है। इसके अलावा कुछ पुराने कैरेक्टर्स जैसे कि स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन 4 के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, और स्कॉर्पियन इस मूवी के अंदर किंग पिंग के लिए काम कर सकता है। स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें वेनम सिम्बियोट का ज्यादा रोल देखने को नहीं मिलेगा, पर वेनम सिम्बियोट के कुछ सीन्स हमें स्पाइडरमैन 4 के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो सीन्स अल्टीमेटली स्पाइडरमैन 5 और 6 को सेटअप करेंगे। तो स्पाइडरमैन 4 एक काफी इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है। आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।